हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज भी हम लोग वापस खेलने वाले हैं कार्निवोर्स आइस एज। तो यार, इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा, यानी कि वो फर्स्ट पार्ट था, वो नहीं देखा तो यार लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें यार क्या हुआ था मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो यार, उसमें दो बार तो हम राइनो से खुद ही मिल गए थे, एंड लास्ट में हमने सिर्फ एक ही राइनो को मारा था। तो यार, आज इस गेम में मैं ज़्यादातर राइनो को मारने की कोशिश करूँगा। आपको ये गेम यार डाउनलोड करनी है तो यार लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इस गेम को डाउनलोड भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए, आज भी हम राइनो को ही लेने वाले हैं, बिकॉज राइनो को यार मारने में मज़ा भी आता है, एंड यार वो थोड़ा सा कम अटैक करता है। अगर हमने इसे लिया या तो फिर इसे लिया तो यार ये तीन जो ये दो है वो ज़्यादा अटैक करेंगे। एंड यार आपको याद होगा कि इससे पहले जो ये है यार, ये पहले अनलॉक नहीं थी, लेकिन अब हो गई है, बिकॉज यार मैंने फिर ऑफ स्क्रीन थोड़ी बहुत खेली थी, जिससे अपनी कॉस्ट कुछ बढ़ गई एंड अपने पास ये आ गई थी। तो एंड अब हम शॉर्ट गन तक रख सकते हैं, बट आज हम लोग शॉर्ट गन से नहीं खेलने वाले हैं, आज हम लोग वापस से ओनली पिस्टल से खेलने वाले हैं, बिकॉज यार इससे पहले भी पिस्टल से ही खेले थे, तो आज भी खेलते हैं एंड देखते हैं ओनली पिस्टल से हम कितने राइनो को मार पाते हैं। हो चुके हैं एक जगह पे स्पॉन, एंड यार ये अपना लक तो देखो, मतलब जैसे कि देख सकते हो सामने ही यार राइनो है, मतलब क्या ही अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हो, वो रहा सामने राइनो। तो जैसा कि आप इसमें भी देख ही सकते हो, तो हम सीधा ही राइनो को मारने जाएंगे। राइनो सामने ही है तो चलिए आसानी से मार ही देंगे, बट ध्यान रखे जाना पड़ेगा, बिकॉज यार अगर वो डर गया एंड वो यार कुछ मतलब गुस्से में होगा तो यार वो ज़रूर से हमें मारेगा। एंड आपको पता ही होगा यार, वो सीधा उसका जो सींग होता है ना बड़ा वाला, वो सीधा यार पेट में ही घुसे लेता है, जिससे हम बस दो ही हिट में मर जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं देखते हैं एक राइनो कितनी गोली में मरता है। तो चलिए, पास तो आ चुका है, तो चलिए अब उसे मार भी देते ही है। एंड यार ओनली 5 गोली में ये राइनो तो मर गया। अपने पास यार 16 बुलेट थी एंड अभी अपने पास 11 बुलेट है, तो 5 एमओ में यार ये तो मर गया, तो अच्छी बात है। तो अब इसे अपना एक बंदा आएगा और इसे ले जाएगा, तो अब दूसरे राइनो के पास हम ऐसे ही जाते हैं। तो हमें कुछ इस तरफ दिखा रहा है मैप में, जैसे कि आप देख सकते हो, तो देखते हैं दूसरा राइनो किस तरफ है। लेकिन इससे पहले यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो जब भी आप सब्सक्राइब का बटन को टच करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि राइनो किस तरफ है। आई थिंक तो सामने ही होना चाहिए, वो मैप में भी वही दिखा रहा है। एंड यार जैसे कि आप देख सकते हो, वो रहा सामने राइनो। तब इसे भी हम बहुत ही आसानी से मार ही देंगे। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इसे मार दूंगा। एंड यार इसे पता चल गया कि हम आ गए, तो ये हमें मारने आ रहा है यार। एंड यार हमने इसे डरते डरते यार मार दिया है। एंड उस राइनो बस 5 ही बुलेट्स चाहिए थी, लेकिन यार इसमें ढेर सारी बुलेट्स चली गई, अपने पास ओनली 1 बुलेट बची है, बिकॉज मैं डर गया था, मुझे लगा ये हमें मार देगा। हमें वापस से इसकी बुलेट्स मंगवानी पड़ेगी, तो हम इसकी बुलेट्स अब मंगवा लेंगे। लेकिन अब ये एक मौका क्या करे, तो ये जो पक्षी उड़ रहा है ना, मैं इसे मार देता हूँ। यार क्या ही मेरा निशाना है यार, इसे लगे ही नहीं, बट कोई नहीं। तो आप सबसे पहले हमने एमओ मंगवाई है, तो उसके आने का इंतज़ार करते हैं। आप देख सकते हो एमओ का बैग सामने आ चुका है, तो अब चलिए इसमें जल्द से जल्द बुलेट्स भरते हैं एंड देन अब और भी राइनो के पास जाते हैं। एंड यार उन्हें भी मारने की ट्राई करेंगे, एंड ऐसे हम सावधानी भी रखेंगे कि हम उनसे ना मरें। तो चलिए अब दूसरे राइनो के इसी तरफ है, जैसे कि मैं मैप में देख ही सकता हूँ एंड आप भी देख ही सकते हो। तो चलिए अब उसी तरफ आई थिंक सो राइनो है, तो चलिए उसके पास जाते हैं एंड उसे मारते हैं। एंड यार वो तो आई थिंक सो पिग है। हाँ गाइस, वो पिग ही है, बट आई थिंक सो उसके आगे या तो ऐसे ही कहीं पर तो राइनो है, यार मैप में तो यही दिखा रहा है। एंड पिग तो हमसे यार बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं, ये बस ओनली 1 बुलेट में मर जाते हैं। बट अभी मैंने बुलेट फायर करी एंड यार ये रहा सामने राइनो, तो बिल्कुल ही धीरे धीरे जाते हैं। ये पानी पी रहा है, तो चलिए अभी इसे मार देते हैं, ये डर चुका है तो ये भाग रहा है। बट यार इसे भी मैंने 5 बुलेट्स में मार दिया है। एंड यार हमने पूरे के पूरे 3 राइनो को किल कर लिया है बहुत ही आसानी से। तो अभी जब तक अपने पास 11 बुलेट्स है, तो देखते हैं अब कितने राइनो किल हो सकते हैं। अगर मैंने अच्छा सा खेला तो और भी मैं 2 राइनो को किल कर सकता हूँ, तो देखते हैं यार। एंड सो अब चलिए एक और राइनो के पास। हम नहीं देख सकते हो आप, आपको थोड़ा बहुत कम दिखा होगा, लेकिन मुझे दिख गया ये इसी तरफ है। तो अब हम धीरे धीरे उसके पास जैसे एंड इससे भी मारने की तो पूरी कोशिश करेंगे। यार उसे पता चल चुका है कि हम आ गए हैं, तो यार वो भी पूरा का पूरा स्पीड में दौड़ ही रहा है, तो यार ये थोड़ा बहुत डर रहा है हमसे, तो अब इसे तो मारना ही पड़ेगा, बिकॉज यार जो डरता है उसे मारने में मज़ा आता है।
उसने दौड़ना भी शांत तो कर ही दिया है, तो अब चलिए उसे भी मारने की पूरी कोशिश तो करेंगे। एंड यार कम से कम बुलेट्स हो, मैं ऐसा ही ट्राई करूंगा, बट यार देखते हैं, बिकॉज अब इसकी रेंज भी कम होने वाली है। एंड यार आउट ऑफ एम हो गई, हमने पूरी 11 बुलेट्स थी वो इसमें डाल दी, बट यार ये फिर भी नहीं मरा, बिकॉज इतनी पिस्टल की रेंज ही नहीं है। तो हमने यार पूरे 3 राइनोज को किल किया। तो यार आज के वीडियो के लिए तो इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साइड वाले बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और गाइस कमेंट करना मत भूलना। यार इसके बाद हम शॉर्ट गन से खेलने वाले हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर